Morning to all. We welcome you Morning, to sir. this 6 day, 7 day sessions that you will be going through regarding the research. Many of you must have completed your doctoral dissertation, which is a thesis writing process. Some of you may be in the process. Some of you might be starting it. So, all of you will be benefiting during this week-long program on various aspects of the research. जैसे कि मैडम ने बोला है कि हम यूनिट वन के बारे में बात करेंगे आज और कल, तो आज मैं दो टॉपिक पे बात करूंगा, अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च और एक फिर आगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का एक कंसेप्ट है, राइट? टुमारो विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू राइट प्रपोजल एंड द इथिकल इश्यूज, ओके? So, before we start today's session, let's go through the Albert Einstein's saying. We all know that whenever we conduct research, we are into the so-called unknown or underexplored or unexplored. म्हणजे असे विषय ज्याबद्दल आपल्याला जास्ती माहिती नाहीये, किंवा अशा विषयांसंबंधित कधीच संशोधन केलं गेलेलं नाही, किंवा केलं गेलेलं आहे तर तिथे आपल्याला त्याचे आउटकम किंवा रिझल्ट्स हे पर्याप्त प्रमाणात मिळालेले नाही. सो बेसिक फंडामेंटल नोशन ऑफ रिसर्च इज दॅट व्हॉट वी आर डूइंग इज बेसिकली अननोन टू इट, अननोन टू अस, ओके? हॅड इट बीन नोन टू अस देन दिस विल नॉट बी अ रिसर्च, इट विल ओनली बी सो कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ओके? मला इथे कुठतरी मेसेज टाकला मराठी कळत नाही, राज ठाकरेंचा नंबर लिहून घ्या 9423. मी बोलेल थोडं थोडं मधून, पण हिंदी आणि इंग्लिशही बोलेल, ओके? सो वी आर इन टू दी अननोन. नाव कॅन यू टेल मी दी मोटिव्स ऑफ रिसर्च, आप लोग रिसर्च क्यों करते हो? और मुझे ये टू वे पार्टिसिपेशन चाहिए, बिकॉज बहुत दिन बाद अभी ये ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है. अभी रिसेंटली अमरावती में ऑफलाइन हुआ, नागपुर में भी एक दो जगह ऑफलाइन हुआ यूनिवर्सिटी में, सो वी आर बैक टू दी ऑनलाइन, बट आई वॉन्टेड इट टू बी इंटरेक्टिव. का करतो अपन रिसर्च, संशोधन का करतो, टेल मी. To test old facts and find new facts. ओके, टू चेक ओल्ड फैक्ट फाइंड न्यू फैक्ट, फाइन है, सर. इट इज अ पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी एज वेल एज सोशल रिस्पांसिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट ओके, समथिंग टू फेयर द इनफ. सोसाइटी. कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, वेरी गुड. व्हाट एल्स? वी डू और रिसर्च फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड यू नो ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडीज. ओके, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी एंड एक्सप्लोरेशन, ओके. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स बताइए. ऑल आर राइट. और बताइए. टू एकेडमिकली अपग्रेड आवरसेल्व्स. ओके, एकेडमिक अपग्रेडेशन फॉर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल पर्पस, सर. फॉर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल पर्पस. एंड वन मोर लास्ट, फॉर द लव ऑफ लर्निंग, नॉलेज, टू नो. फॉर द लव ऑफ लर्निंग, ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट. So, we all know that the motivations for research are very diverse. Okay. Today we will be talking about two types of research, applicatory and academic. And my focus will be 90% on the academic, because you guys will be submitting your doctoral dissertation and appearing for the VIVA-VOS exam of your PhD thesis. So, we'll be speaking more about the academic research. Okay. Now, as many of you have said, okay, research can be very diverse in nature. When I say word diverse, it means you can really conduct research on any topic in the world, whether it is existing or non-existing. Say for example, किसी को एलियन के बारे में रिसर्च करना है, वो भी रिसर्च माना जाएगा. किसी को अंबेडकर थॉट के ऊपर रिसर्च करना है, वो भी एक रिसर्च माना जाएगा. किसी को गैलेक्सी और किसी प्लैनेट का रिसर्च करना है. सो देर आर नो लिमिटेशंस टू द रिसर्च, हेंस इट इज वेरी
डाइवर्स इन नेचर हमारे यूजीसी के ऑर्डिनेंस में और पीएचडी के गाइडलाइन में भी मोर एम्फोसिस इज गिवन ऑन दी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। अब पिछले 8-10 सालों में ये देखा जा रहा है मोर एंड मोर टॉपिक्स आर सो कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी। सो अगेन इट कैनॉट बी रिलेटेड टू ओनली वन लाइन ऑफ सब्जेक्ट और वन लाइन ऑफ थीम स्टडी थीम, रादर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द वर्ड री इन रिसर्च वो ये कहता है कि फिर से जाके खोजिए, गो एंड सर्च इट अगेन। दैट्स वाई द नेम वर्ड रिसर्च। सो इन मोस्ट ऑफ द रिसर्च विच इज कंडक्टेड वेदर एकेडमिक और एप्लीकेटरी वन नीड नॉट हैव टू इन्वेंट द व्हील। हमें पहिए की खोज नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि मान लीजिए किसी ने 1980 से 1990 में कोई एक स्टडी की है यूजिंग अ डिफरेंट मेथड, अ डिफरेंट सैंपल, अ डिफरेंट एनालिसिस एंड यू कंडक्ट द सेम स्टडी फ्रॉम 2010 टू 2020 यूजिंग अ न्यू मेथड प्रोबेबली सम न्यू टेक्निक्स, यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, राइट। सो एक ही टॉपिक में जब हम डिजाइन मेथड चेंज करते हैं और टाइम होराइजन चेंज करते हैं तो प्रोबेबिलिटीज ऑन दी हायर साइड दैट वी मे गेट अ डिफरेंट रिजल्ट। यू मे नॉट गेट अ वेरी ड्रास्टिक डिफरेंट रिजल्ट बट मोर और लेस यू विल गेट द रिजल्ट विच आर डेविएटिंग फ्रॉम द पास्ट स्टडी एंड देर कुड बी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट बट प्राइमरली हमारा टाइम सीरीज डेटा। नाउ व्हेन वी लुक एट सोसाइटी, ओके, सोशल साइंस में जब हम देखते हैं तो टाइम सीरीज डेटा ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है बिकॉज एज वी प्रोग्रेस सम ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर टेंड टू गो अप इन द हायर वैल्यू। से फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द माल न्यूट्रिशन, इफ यू टॉक अबाउट द पॉवर्टी, देन यू विल सी दैट compared to the previous time series data, the data which you will collect in a recent series will be obviously on the higher side as a rule of thumb. There might be pockets or area jahan par wo stagnant hoga, there might be pockets and area jahan par wo declining trend mein hoga ya decay trend mein hoga, right? So understanding the word re in the research. Now jo परिभाषा है संशोधन की वो बड़ी सहज और सरल है। वो ये कहता है कि अगर हम किसी सवालों का जवाब खोजते हैं तो वो करते समय हमें ऑर्गेनाइज रहना है, वी हैव टू बी लॉजिकल, मराठी मध्ये तर्क, एंड इन अ सिस्टमैटिक फैशन। अगर ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे मेथड में आता है तो हमें उन सवालों के जवाब मिलने का रास्ता अपने आप मिलेगा। जवाब मिलेगा या नहीं दैट वी डोंट नो, बट इफ यू फॉलो ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक फैशन देन दैट वुड बी द राइट अप्रोच टू एड्रेस द प्रॉब्लम अंडर द रिसर्च, राइट। मेनी अ टाइम पीपल बिलीव दैट व्हाइल कंडक्टिंग अ रिसर्च we will get the truth. Now it may happen, it may not happen, but if you ask me, the chances of getting the truth are very very slim. I would call it less than 5%. Now the question is why 5%? Because unless and until it is a scientific experiment, okay, then the truth will be nearer. But for all other research which are conducted, you will have a very fluid truth because your truth will depend on again the design, the method, the approach, and the conditions prevailing at the time of your research. So, संशोधन करते समय हमें कभी भी सच्चाई नहीं मिल पाएगी, यह हमें ध्यान रखना है। Now the classic example of this is आप सब लोगों ने दो वैक्सीन के टीके लगाए होंगे, राइट। नाउ व्हाट इज
दी एफिकेसी ऑफ वैक्सीन दैट वी आर यूजिंग इन इंडिया, कितनी है एफिकेसी हमारे वैक्सीन की? एनी गेस? फॉर कोविशील्ड इट इज अराउंड 60%, 62%, एंड फॉर आई थिंक को वैक्सीन इट इज 70%. राइट, एंड विच वैक्सीन हैज अ हाईएस्ट एफिकेसी? आई थिंक इट्स फ्रॉम रशिया दैट स्पुतनिक, नॉट स्पुतनिक, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, बट इट इज फ्रॉम रशिया आई थिंक. इट इज अ स्पुतनिक एंड दे क्लेम द एफिकेसी ऑफ 90%. 90%. ओके, नाउ यू विल सी दैट although we have domestic vaccine, I wouldn't call it a domestic because they are developed outside, but still you are not protected 100% even after taking the vaccination doses. So aap ye kaise keh sakte ho ki vaccine is effective? It cannot be effective 100.00%. so aapko ek rule dhyan mein rakhne ka hai. In the entire world, there is no such thing as 100%. नहीं है, 100% is a fallacy, it is an illusion. Okay, the nearest we can come is a 99.9999. और वो क्या होता है 99.99? What is that? किसको गिना जाता है 99.99? Purity of the gold. जब आप सोना खरीदने जाते हो तो आपको 100% सोना भी नहीं मिलता है, उसके ऊपर लिखा रहता है कि इट इज 99.49 होता है डेसिमल के बाद, इट इज दैट मच प्योर. सो इफ देर इज नो 100% सच थिंग, देन कमिंग टू अ ट्रूथ वाइल कंडक्टिंग अ रिसर्च कैन ऑल्सो बी वेरी चैलेंजिंग एंड एट द सेम टाइम इल्यूजनरी. राइट, कुछ ऐसे मेडिकल साइंसेस में इन्वेंशन हुए हैं जहाँ पे सच्चाई के काफ़ी करीब गए, बट फिर भी हम 100% तक वहाँ पहुँच नहीं पाए बिकॉज देर आर मेनी रीजंस फॉर द मेडिकल साइंस इटसेल्फ एज फार एज मेडिसिन आर कंसर्न, बिकॉज हम लोग जेनेटिकली सब अलग है, एक ही दवा का असर सब लोग. आवाज इतना है सर तुमचा? अरे बाबा ये तो है ना कमलाकर नवघरे, ये तो है का आवाज? यस सर, येतोय सर. बघा तुमचं जरा नेट कनेक्शन, मला त्याची भीती नाही, मला भीती आहे लोड शेडिंगची. म्हणून मी पूर्ण यूपीएस लावलेला आहे, कारण सध्या महाराष्ट्रात लोड शेडिंग चालू आहे, पण फॉर्च्युनेटली आमचे शेजारी देवेंद्र फडणवीस असल्यामुळे वीज जात नाही, पण काही सांगता येत नाही हे सरकार काय करेल. सो अ ट्रूथ विल बी a very difficult to achieve. So research is considered as a journey or exercise. To ek pravas ahe, to ek abhyas ahe. Now if you go back and look at the hypothesis in your synopsis, okay, and when you will be testing those hypotheses, most of the students which I have seen, either they will accept all or they will reject all. Okay, again this is allowed in academic research, but in reality your all hypotheses fall in the same bracket. Now why this is happening? This is happening primarily because of two things. Number one, you are making or formulating those hypotheses when you are writing your synopsis. Jala marathit gruhita krutya mantat hypothesis la. It is nothing but how you expect the outcome of your research, right? So based on that, you come up with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up to 7 hypotheses. So that is one issue. Secondly, you may apply different statistical test, right? And that is again your judgment, that you think that the data being presented to you is most likely to be tested by a statistical tool number one, and by applying that tool you either accept or reject. So aap agar iske deeper issues mein jaoge to you will see a discrepancy when a candidate either accept all the hypotheses, that means he or she is indicating that her findings are 100% tested by the statistics.
practical too, and hence his or her research is very, very accurate. I am not denying, but again, it is very, very subjective how these hypotheses were formulated and how these were tested. So even the science people, they keep in mind that truth will be quite a far achieving dream. You will come close, but you will not get up to 100.00. Now, one of the most important aspects in conducting academic or even applicatory research is to address long-standing problems in specific geographical region and in any specific domain. आणि तिथेच विद्यापीठांना हे आदेश देण्यात आलेले आहेत की तुम्ही ज्या भागात राहतात तिथल्या सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य संबंधित, अर्थव्यवस्थे संबंधित, पर्यावरण संबंधित ज्या काही समस्या आहेत त्या समस्यांवर संशोधन करायचा प्रयत्न करावा. सो इन इंग्लिश, ऑल युनिव्हर्सिटीज आर मँडेटेड टू कंडक्ट रिसर्च इन स्पेसिफिक जिओग्राफी, इन स्पेसिफिक डोमेन वेअर देर आर सोशो इकॉनॉमिक, देर आर एन्व्हायरमेंटल, क्लायमेटिक और इवन दी इकॉनॉमी रिलेटेड इश्यूज, लॉन्ग स्टँडिंग प्रॉब्लेम्स. ओके, अँड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट. सो आगे चल के आप जब गाइड बनोगे, दिया बनोगे और बच्चों को राह दिखाओगे, तो कीप इन माइंड दैट योर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट शुड कंसीडर द टॉपिक विच विल एटलीस्ट मेक एन अटेम्प्ट टू एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम इन अवर विदर्भ रीजन. नाउ कमिंग टू द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम, हमारे रीजन में क्या प्रॉब्लम्स है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन विदर्भ? लिंगरिंग प्रॉब्लम काय आहेत? क्या प्रॉब्लम है? वॉटर स्कार्सिटी. वॉटर स्कार्सिटी, ओके. मेबी ड्यूरिंग समर. फार्मर सुसाइड. फार्मर सुसाइड, वेरी गुड. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? और क्या है? लैक ऑफ इरिगेशन. ओके, लैक ऑफ इरिगेशन. ओके, अगेन और मैलन्यूट्रिशन. नो, कनेक्टिविटी इज वेरी गुड इन विदर्भा. इफ यू से दी व्हाट यू कॉल अर्बन टू रूरल कनेक्टिविटी, दैट माइट बी इशू. यस, माल न्यूट्रिशन इज देयर चिखलदरा एंड पॉकेट्स ऑफ यवतमाल. इट्स देयर, इट्स नॉट डिसअपीयर्ड, बट इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लेम, बट इट इज देयर, इट कैन बी एक्नॉलेज. व्हाट एल्स? काय सांगा ना अजून. आपण विदर्भात आहोत, आपल्याला विदर्भाच्या समस्या कळल्या पाहिजे. वेगळा विदर्भ हवा आहे आपल्याला. सर, लॅक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट. ओके, लॅक ऑफ इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट, जो कधी होईल नाही आहे. शेतमजुराची समस्या. शेतमजुराची समस्या, ओके. ताडोबाचं काय म्हटलं तुम्ही? क्या एन्व्हायरमेंट बोलणार आहे क्या आपको? नाही सर, बाजूच्या म्हटलं मी. शेतमजुराची समस्या म्हटलेलं होत. ओके, सो अगेन a problem related to pollution in cities like Chandrapur, problem related to the human encroachment on the core reserve of the tiger in Tadoba, problem related to the employment. All our graduates, they go to Hyderabad, Pune, Mumbai because they don't have jobs here. So when we are conducting research, and again whatever issues you mention here, so research karte waqt agar humne un cheezon pe thoda dhyan dala, to kahin na kahin hamari samasyaon ka nirakaran to nahi hoga,
बट कहीं ना कहीं उसके ऊपर ध्यान जाएगा. अभी किसने बोला क्वालिटी एजुकेशन, नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम अक्रॉस इंडिया. ओके, मैं अभी 2 वीक्स अगो मैं अमरावती यूनिवर्सिटी में था एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. नाउ वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई व्हाट डू वी मीन बाय क्वालिटी, एंड दैट क्वालिटी इज एब्सोल्युटली डिग्रेडिंग ओवर द पास्ट few decades, and it is more concerning for the ZP school at the rural areas. Urban areas and the tertiary education are quite far away, but the ground realities are related to the primary education. So samshodhan kartana kuthe tari yachat apan apla yogdan tyachat dile paije. Now let's come to the quest for searching the truth. Why we as a human being are always searching for the truth, right? Primarily, if you look at the ancient civilizations, ancient history of human civilization, then tradition and authority were the two drivers. Jab log group mein rehne lage, unka koi mukhiya ban gaya, फिर मुखिया ने बोला ऐसा करो वैसा करो, और वहां से जो है उसको अथॉरिटी मिली, और वो अथॉरिटी के तहत कई चीजों की खोज जो है वो ली गई. नाउ अर्थ इज स्फेरिकल, ये सबसे पहले खोज किसने लगाया था? दुनिया गोल है, ये किसने लगाया था? खोज इसकी किसने की थी? कोपरनिकस. कोपरनिकस, ओके. और कोपरनिकस के साथ क्या हुआ? What happened to him? He was punished for that, sir. He was punished by the then king of that land. Basically, he lost his life. He was killed. Why he was killed? Because the authorities were saying that the earth is rectangular, and Copernicus was saying that the earth is spherical and it revolves around the sun, and he could not convince the so-called then the emperors of the Greek society, and as a result they called him fool and he has to sacrifice his life. He was killed, right? So just like Copernicus, there were many researchers during that era, mostly coming from the ancient Greek. Agar hum duniya ka itihas lete hai to Greek, of course the Indian civilization jahan humne zero diya Aryabhatta, then the Middle Eastern civilization jahan pe अलजेब्रा जैसा सब्जेक्ट जो हम अल बोलते हैं ना, अलजेब्रा, देन ऑफ कोर्स ज्योमेट्री, पाइथागोरस, मैक्सिमम चीजें ग्रीक सिविलाइजेशन के दौरान जो डॉक्यूमेंट हुई. ऑफ कोर्स उससे भी हम पीछे जाते हैं तो फेरोस के टाइम इन इजिप्ट नंबर ऑफ डिस्कवरीज आल्सो मेड. सो ये हिस्टोरिकल डिस्कवरीज वेर ऑल मेड प्राइमरली इन द एशिया, सेंट्रल एशिया and the so-called today's Europe, which is only the country of Greece. A very contemporary research jo hua hai, wo mainland Europe mein kaafi hua hai. Third one is a personal experience, and this is again proved to be a very 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 interesting phenomena for the taking research forward. मी बरेचदा गमतीनी म्हणतो आमच्या एमबीएच्या मुलांना, जर त्या काळचा आयझॅक न्यूटन कळमेश्वरला एखाद्या संत्र्याच्या शेतात एखाद्या संत्र्याच्या झाडाखाली बसला असता आणि वरून जर संत्र पडलं असतं आणि आपल्या विदर्भातल्या आईन्स्टाईननी खाल्लं असतं, तर त्यांनी म्हटलं असतं अरे बहुत कडवा आहे, चल चाय पिणे चलते. त्यांनी विचार नसता केला की वरून संत्र खाली का पडलं. बट वॉट Newton did when the apple fell down, he thought about it, and when he thought deeper and deeper and deeper, he
it led to the concept of gravity, what we call G is equal to 9.8, right? So पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कई सारी डिस्कवरियां हुई है, इसीलिए जब हम रिसर्च की बातें करते हैं, राइट, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द इम्पीरिकल रिसर्च, विच मीन्स बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, राइट, जो आगे मैं आपको बताऊंगा. सो बेस्ड ऑन दैट नंबर ऑफ इन्वेंशंस के आर्किमिडीज का सिद्धांत आया हो, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज. इधर कोई फिजिक्स वाले क्या साइंस वाले लोग हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? एनीवन? ये शायद शिकला असल ने यार, तुम्हें थोड़ा ही आठवता काय झालं होतं आर्किमिडीजला, आठवतं का? एक साइड से अगर प्रेस किया जाए तो दूसरी साइड अपने आप ऊपर जाती है. एक साइड से प्रेस किया जाए तो दूसरी साइड ऊपर जाती है, ठीक है, 10% करेक्ट. और सर, इफ यू आर इमर्सिंग समथिंग इन अ लिक्विड, दैट द देन द अमाउंट ऑफ द फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द इमर्सिंग बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द लिक्विड दैट इज डिस्प्लेस्ड. ओके, इट इज 55-60% करेक्ट. सो आर्किमिडीज एक दिन नहाने के लिए उसके बाथ टब में उतरा. जैसे ही वो बाथ टब के अंदर गया तो बाथ टब का पानी बाहर आया. तो आर्किमिडीज ने ये सोचा कि मेरा तो वजन हाइपोथेटिकली मान लो 80 किलो है, तो ये पानी 80 किलो से ज्यादा बाहर क्यों आया, राइट? सो दैट लेड टू द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज. दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी is equal to or more than the weight of the body, and that led to the concept of buoyancy. जो किसी ने बोला था कि ऊपर से दबाया कि वो ऊपर आता, buoyancy का principle आया. उसका application क्या हुआ? What was the application of Archimedes principle? क्या हुआ उसका application? आपको मालूम है, थोड़ा सोचो. ships and aeroplane. ships, how? volume जो उसके basement में होता है, that should be increased more than the actual mass of the ship. Or maybe in maybe in submarines. Submarine. Okay, इसका aeroplane तो नहीं है sir. aeroplane का concept completely अलग है, but the application immediately came to the ship. How? Prior to that, only ships made out of wood were floating on the water. क्योंकि लोगों को लगता था अगर लोहे की ship बनाएंगे तो वो पानी में लोहा डूब जाएगा. But आप imagine कीजिए, जब आप समुन्द्र में एक टाइटेनिक जैसी ship देखते हैं जिसका वजन मान लो 1,00,000 टन है, तो वो शिप जब पानी में खड़ी होती है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये शिप 1,00,000 टन से ज्यादा का पानी डिस्प्लेस कर रही है, इसलिए वो पानी में खड़ी हो रही है. सो इमीडिएट एप्लीकेशन आर्किमिडीज का ये हुआ कि लोहे की शिप बनना चालू हो गई और लकड़ी की जो शिप थी वो धीरे धीरे कम हो गई, और मेजर जो वर्ल्ड पावर थे जिन्होंने दुनिया पे उस समय ट्रेडिंग के लिहाज से कब्जा किया था, दे ग्रेजुअली शिफ्टेड टुवर्ड्स दी सो कॉल्ड आयरन बिल्ट शिप, है ना? सो पर्सनल एक्सपीरियंसेस, देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल. तुमच्यापैकी काही जर सुदैवानी शिक्षक असाल तर कृपा करून आपलं बेसिक ज्ञान जे असते ना ते खूप परफेक्ट करा. कारण मी आता जळगाव विद्यापीठात होतो 3 आठवड्यापूर्वी, तिथे मी शिक्षकांना खूप रागवलं, त्यांना म्हटलं तुमचाच घडा अर्धा भरलाय, तुम्ही काय ज्ञान द्यायला ना, आपण क्वालिटी बद्दल बोलतोय. म्हटलं आपल्याला गोष्टी माहीत पाहिजे, नसतील तर त्या माहीत करून घेतल्या पाहिजेत, बिकॉज समहाव ऑल दीज डॉट्स आर कनेक्टेड, राईट? सो एन नंबर ऑफ थिंग्स वेर डिस्कवर्ड फ्रॉम दी पर्सनल एक्सपीरियन्स मेनी, अँड मेजॉरिटी ऑफ सम ऑफ दी मॉडर्न इन्व्हेन्शन्स वेर ऑल्सो व्हेरी ऍक्सिडेंटल, नॉट मेन टू ऑकर,
but then they had that eureka moment and they said, yes, this is something which can be done. So आपकी एबिलिटी टू ऑब्जर्व, आपकी एबिलिटी टू कंटेम्पलेट फ्रॉम व्हाट द ऑब्जर्वेशन इज सेइंग, राइट, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स. देन देर आर टू मेथड, वन इज अ डिडक्टिव एंड सेकंड इज अ इंडक्टिव. नाउ एट द एंड ऑफ 6 or 7 days यू विल हैव टू अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जाम होगी आपकी. तो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं दोहराऊंगा, ये सेशन के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स द सो कॉल्ड साइंटिफिक इंक्वायरी, इसको हम रिसर्च के नाम से जानते हैं. सो व्हाट आइंस्टाइन सेड इज द इमेजिनेशन इज अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च. यू हैव टू इमेजिन, एंड इफ यू कैन इमेजिन यू कैन स्टार्ट working towards it, and if you start working towards it you will face problem. If you face problem you will come out with solution, and if you come out with solution you will get more refined solution, right. Iska main ek mere colleague ka example deta hu. Ye baat hai mid 90s ki. Hum log MBA ke class mein baithe the, thandi ka din tha, aur hamari ek faculty aayi, Cambridge University ke the wo, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाने वाले. हमारी 3 घंटे की क्लास होती थी, क्लास में 180 बच्चे बैठे हुए थे. अचानक फैकल्टी आई और आते ही उन्होंने बोल दिया कि सब लोग अपना अपना ड्रीम बताएंगे. हम 6-7 लोग इंडिया के थे, हमने कहा आज ये इसको टाइम पास करना है, इसको पढ़ाने का नहीं है, ये सबको ड्रीम पूछना है. अब फैकल्टी ने बोल दिया ड्रीम बताओ, तो सबको कंपल्सरी अपना ड्रीम बताना था. तो नेक्स्ट टू मी देर वॉज अ गर्ल फ्रॉम चाइना, वो बैठी थी, हाइट में छोटी थी. उसका जब टाइम आया तो वो खड़ी हो गई और उसने बताया उसका ड्रीम है कि हवाई जहाज जो होता है, अगर 35,000 feet पे उसमें कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई और वो क्रैश हो गया तो सारे के सारे लोग मर जाते, कहीं आग लग गई तो फिर सब लोग मर जाते. तो उसने बोला कि उसका ड्रीम है कि हवाई जहाज के 3 टुकड़े होने चाहिए इमरजेंसी में, और हर एक टुकड़े को एक पैराशूट होना चाहिए. तो मान लो अगर कॉकपिट में कुछ हो गया तो केवल कॉकपिट में बैठे हुए लोग मारे जाएंगे, बाकी प्लेन के 2 हिस्से जो है वो पैराशूट से नीचे आके कुछ लोगों की जान बच सकेगी. अगर विंग्स पे कुछ हुआ तो बीच वाले लोग मरेंगे पर सामने और पीछे बैठने वाले पैराशूट से नीचे आएंगे. अब उस समय हमको लगा कि शायद ये ड्रीम ही होगा इसका, ये तो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है. बट आई वॉज वेरी सरप्राइज, कपल ऑफ ईयर्स एगो, जस्ट 17-18 की बात होगी, कनाडा में उसके नाम का पेटेंट बन गया और वो हवाई जहाज बनने वाला है. ऐसा हवाई जहाज बनेगा जिसमें वो लड़की का ड्रीम था और वो पैराशूट वाला हवाई जहाज बनेगा. पेटेंट हो गया, हवाई जहाज बनने की प्रोसेस भी हो रही है, उसको जब फेडरल एविएशन की मान्यता प्राप्त हो जाएगी वो हवे में उड़ना चालू होगा. सो फॉर एवरी रिसर्चर द इमेजिनेशन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इमेजिन करो कटरीना कैफ के साथ गोवा के बीच में, वो इमेजिनेशन नहीं. इमेजिनेशन रिलेटेड टू द रिसर्च, इमेजिनेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, इमेजिनेशन रिलेटेड टू द प्रोसेस, right, that is of utmost importance. Now मैं जो भी बता रहा हूं आप लोगों को 70-80% सब कुछ मालूम है, फिर भी इसको हम रीएम्फसाइज करेंगे. मैंने कई बार यूनिवर्सिटी में बोला है कि ये चीजें आपके सिनॉप्सिस लिखने के पहले होनी चाहिए, बट अभी ये सबमिशन के पहले हो रही है. ठीक है, अगर ये पहले सिनॉप्सिस के पहले अगर आप इसको अटेंड करोगे तो शायद आपका रिसर्च वन नॉच अच्छा होगा. सो वन ऑफ द क्रिटिकल नेचर्स ऑफ द रिसर्च, इट हैज टू बी सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक म्हणजे काय? नियोजन करा, आयडेंटिफाय व्हाट यू आर वर्किंग ऑन, डिझाईन हाऊ यू आर डिझाईनिंग युअर रिसर्च, कलेक्ट the data and evaluate
दी आउटकम, इसको हम सिस्टमैटिक बोलते हैं, राइट। जस्ट लाइक अगर मैंने आपको 5 कोर्स मील सर्व किया तो आप सूप लोगे, उसके बाद एपेटाइजर लोगे, उसके बाद मेन कोर्स लोगे, उसके बाद डेजर्ट लोगे। सो सिस्टमैटिकली हम खाना खाते हैं, ऐसा नहीं कि हम पहले मेन कोर्स खाया फिर सूप पिया, नो, वी फॉलो दैट प्रोसेस, सो दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक। संशोधन करताना त्याच्यामध्ये सिस्टमॅटिकता असणं आवश्यक आहे। यहाँ कहीं भी आपका 19-20 हो गया तो उसके इम्पैक्ट आपके आउटकम पे आ सकते हैं, क्लियर। सेकंड विच आई एम्फसाइज द मोस्ट, लॉजिकल तर्क। अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट आर्ग्यूइंग और नॉट मेकिंग आर्ग्यूमेंट्स देन दैट रिसर्च हैज नो मीनिंग, राइट। तो कई बार ये हिस्ट्री, लिटरेचर, लैंग्वेज, ये लोग जो होते हैं उनको भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट उनके एनालिसिस में डालना है। कॉमर्स मैनेजमेंट तो है ही है, साइंस, इफ यू आस्क मी द साइंस रिसर्च इज रादर इजी, वेर एज द मोर क्वालिटेटिव रिसर्च यू डू द मोर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स यू नीड टू बिल्ड इन टू सपोर्ट the potential outcome, right? So under logical, either you see the procedure and based on your examination of those procedure you evaluate on the conclusion. जैसे अभी आज का अगर आपने पेपर पढ़ा होगा तो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 5% हो गया है एंड 500% केसेस बढ़ी है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड पॉजिटिविटी रेट मतलब क्या। पॉजिटिविटी रेट का मतलब ये है अगर 10 लोग टेस्टिंग करने आए और 10 में से 2 अगर पॉजिटिव निकले तो पॉजिटिविटी रेट हो गया आपका 20%, राइट। सो वेन एवर वी पुट अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इट बिकम्स इजी टू इंटरप्रिट दैट अनलेस एंड अंटिल द पर्सन और द अथॉरिटी एट द अदर एंड डू नॉट नो हाउ टू इंटरप्रिट then it becomes difficult for them. Clear? हे लक्षात ठेवा, परीक्षा दृष्टीने महत्वाचं आहे। Empirical, जो earlier slide पे मैंने बोला था, either you observe the data or you observe the phenomena, right? And based on that, you make a decision, right? Without that, you cannot make the decision. So again, this is a very very पावरफुल फॉर्म ऑफ द रिसर्च। जो अभी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, वेर इट केम फ्रॉम, इट केम फ्रॉम डेटा एट द एज वेल एज द ऑब्जर्वेशन। वी आर सीइंग द ग्रेजुअल राइज इन द टेम्परेचर, वी आर विटनेसिंग द शिफ्ट इन पैटर्न्स ऑफ वेदर, शिफ्ट इन पैटर्न्स ऑफ रेनफॉल। एक दिन में ही महीने भर का पानी बरस जाता है, सो एंड So, ये पूरे इंपीरिकल कैटेगरी में आते हैं। या आप किसी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां पर भी इंपीरिकल डेटा गैदर किया जाता है, राइट। द फोर्थ इज अ रिडक्टिव, वेयर वी एस्टैब्लिश द जनरल रिलेशनशिप फ्रॉम द डेटा दैट वी हैव कलेक्टेड। नाउ मेनी अ टाइम कैंडिडेट्स they are in a hurry to write their recommendation chapter. एक इंसिडेंट हुआ था, इकोनॉमिक्स की लड़की थी, गर्मी थी, यूनिवर्सिटी में बिजली चली गई थी, कूलर बंद हो गया था जहां वाइवा चल रहा था, ऑस्टर्नल साहब आए थे कोल्हापुर से, शायद ट्रेन में आएंगे, प्लेन तो नहीं है कोल्हापुर से आने का। तो वो लड़की का इनकम के ऊपर कोई रिसर्च था इकोनॉमिक्स का, राइट। सो आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर मी। अगर मैंने कल अमोल और विपुल मिश्रा की सैलरी डबल कर दी, क्या होगा? इफ आई डबल यूर सैलरी व्हाट विल हैपन, काय होईल? So the amount of
डिस्पोजेबल इनकम वुड इंक्रीज. डिस्पोजेबल इनकम विल इंक्रीज. ओके अजून व्हाट एल्स? और क्या होगा? देयर एक्सपेंसेस विल आल्सो इंक्रीज. जॉब के प्रति सैटिस्फाइड भी हो सकते हैं. परचेसिंग पावर बढ़ेगा. सैटिस्फाइड हो सकते हैं. ओके और सैटिस्फेक्शन भी हो सकता है जॉब के प्रति. और क्या? हाँ सैटिस्फाइड. यस ठीक है. और क्या होगा? और क्या होगा? खर्चा बढ़ेगा राइट? मोर स्पेंडिंग गरजा जास्त. खर्चा गरजा वाढतील. खर्चा वाढतील. हाँ व्यक्तीच्या गरजा वाढतील. व्यर्थ खर्च वाढेल. आणि करेक्ट राइट. सो द राइज इन डिस्पोजेबल इनकम विल लीड टू सो कॉल्ड एक्स नंबर ऑफ फैक्टर दैट वी जस्ट डिस्कस. जिसमें कि खर्चा बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी और कुछ चीजों पे उसका इम्पैक्ट आएगा राइट. नाउ जब हम बोलते हैं कि खर्चा बढ़ेगा इथे इकॉनॉमिक्स से कोणी आहेत का? हे बघा मी प्युअर आहे, मी एमबीए आहे, पण मला ना सगळे विषय खूप सोपे वाटतात कारण माझं वाचन खूप अवांतर आहे. ओके इज देर एनीबडी फ्रॉम इकॉनॉमिक्स हियर? नहीं होगा तो मैं जनरल सवाल पूछूंगा. जब हमारा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है तो किस चीज का कंजम्पशन बढ़ता है? काय वाढतं तुमच्या कंजम्पशन मध्ये? लॉजिकल प्रश्न आहे. लक्झरी आयटम्स. लक्झरी वी हैपन टू गो टुवर्ड्स द लक्झरी आयटम्स. ओके व्हेरी गुड. व्हाट एल्स? व्हेरी गुड. ठीक आहे ना. तुम्ही लक्ष्यऐवजी डवचा साबण वापराल. स्टँडर्ड ऑफ लाइफ वाढतं सर. इनकम जर वाढलं तर स्टँडर्ड ऑफ लाइफ वाढतं. स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाढतं. हां मला प्रिसाइजली सांगा कसं कंजम्पशन वाढतं. हे बरोबर आहे सगळं तुमचं. मला एका विशिष्ट गोष्टीचं उत्तर हवं आहे. काय कंजम्पशन वाढतं? फॉर एक्झाम्पल सर, केलं इंटरनेट विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल. या सर, इफ यू टेल मी कम्यूट फ्रॉम अ प्लेस ए टू बी, तो ए टू बी जाने के लिए हमारे पास में देर आर ऑप्शंस. हम बस से जा सकते हैं, रिक्शा करके right. जा सकते हैं. बट नाउ एज वी हैव मोर अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल विद अस, वी टेंड टू बाय कार्स एंड ट्रैवल टू अवर डेस्टिनेशंस यूजिंग अवर कार. जो नॉर्मल लोग जो उतना नहीं कमाते हैं वो नॉर्मल साधन से जाना प्रेफर करेंगे. हम खाने की चीजें भी लेते हैं. हाँ मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ. जब भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है तो ये देखा गया है द कंजम्पशन ऑफ शुगर इंक्रीजेस. एम आई राइट? यस सर. अगर अभी मैं आपके घर में आया, जितने भी यहाँ 30-40-50 लोग बैठे हैं, तो आई कैन गारंटी दैट मोर देन 50% हाउस होल्ड विल हैव सम सॉर्ट ऑफ स्वीट्स और मिठाई इन देयर refrigerator. Now the question is consumption of excess sugar a necessity? The answer is hell no. Can we live without it? Of course we can. Then why do people consume sugar? हा खूप मोठा फिनोमिना आहे बर का. तुम्ही बघा, थोडं मराठीत सांगतो. माझं वय 51 आहे. आम्ही लहान असताना अगदी कोणी न सांगता जर पाहुणा आला तर महिन्यातनं एकदा गोड बनायचा आमच्या घरी, आणि ते असायचं शिरा. जिसको हिंदी में आप हलवा बोलते. महिने में एक बार वो बनी खाया, शाम को भी खाऊंगा. सो एज अ रिसर्चर यू शुड आस्क युअर सेल्फ क्वेश्चन, इजंट दैट अ साइन ऑफ एफ्लुएंस द कंजम्पशन ऑफ एक्सेस शुगर? एब्सोल्युटली येस. और एक्सेस शुगर कंज्यूम करने से क्या होगा? हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू आएगा.
आपका वजन बढ़ेगा या आपको डायबिटीज हो सकता है, करेक्ट। सो अभी समझिए ये इकोनॉमिस्ट के लड़की ने क्या किया था। उसने बोला था राइज इन डिस्पोजेबल इनकम लीड्स टू कंजम्पशन ऑफ एक्सेस शुगर एंड कंजम्पशन ऑफ एक्सेस शुगर लीड टू द गेन इन वेट। सो ए लीड्स टू बी, बी लीड्स टू सी, देयरफॉर ए लीड्स टू सी। तो उसने ये बोला कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से इंसान का वजन बढ़ता है, और वो एक्सटर्नल को इसके ऊपर आ गई आपत्ति। अब वो जनरल रिलेशनशिप थी ये, और उसने बोला कि वो स्टूडेंट थी, सीनियर थी, मतलब लड़की नहीं थी, एजेड थी। तो बोले मैडम इफ ए कैन लीड टू बी, बी कैन लीड टू सी, हाउ ए कैन लीड टू सी। तो वहां पे माहौल थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। अब वो जो एक्सटर्नल थे वो शायद शिवाजी यूनिवर्सिटी के थे, बड़े इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, मैं तो उनको उतना जानता नहीं था, बट वो उसके ऊपर अड़ गए। वो बोले ये एक्चुअल मिसरिप्रेजेंटेशन। तो वो कैंडिडेट ने बोला सर मैं इसको तुरंत करेक्ट कर दूंगी, और मामला वहां पे थोड़ा ठंडा हो गया। सो ऑलवेज रिमेंबर, वो उसकी इनोसेंट गलती थी, उसने जानबूझ के नहीं किया था ये। तो आप जब रिलेशनशिप निकालते हो ना डेटा से, इफ ए इज लीडिंग टू बी एंड बी इज लीडिंग टू सी, देयरफॉर ए लीड्स टू सी, दैट इज हाईली इनकरेक्ट। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप एंड एट द सेम टाइम टेस्टिंग द रिलेशनशिप। मैं आऊंगा उसके ऊपर भी, उसके ऊपर भी आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे मेजर बच्चे जो है, मैं विदर्भ के बच्चों की बात करूंगा, हम लोग गलती कर बैठते हैं और वो इनोसेंट मिस्टेक होती है। और वो उस दिन अगर लाइमलाइट में आई तो वो थोड़ा एम्बरेसिंग होता है, क्योंकि मैं आपको 100% स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगा, आपका गाइड उसको कभी भी चेकिंग करते समय नोटिफाई नहीं कर पाएगा। इक्का दुक्का अगर कोई होगा गाइड तो वो आपको बताएगा कि भैया इसको करेक्ट कर, ये ट्रबल में आ सकता है। तो वाइल डूइंग दिस रिडक्टिव रिलेशनशिप काइंडली बी ऑन अलर्ट। लोक घाई घाईत करतात, पण त्यांनी पहाड तुटला का? ए इक्वल टू सी नी? नाही। पण त्या प्रोफेसरांचं मत होतं की बया तुला आचार्याची डिग्री मिळते तू अशी कशी चूक करताय। सो उनका भी पॉइंट वॅलिड था। तो ऐसी चीजें करो मत। सो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते समय थिंक अबाउट इट, किससे क्या होता है और किससे क्या नहीं होता है, करेक्ट। एंड देन ऑफकोर्स द रिप्लीकेबल पार्ट, जहां पे आप अगर साइंस के लोग हो तो आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या फील्ड पे काम कर रहे हो, या आप जूलॉजी वाले हो तो किसी जानवर का एक्शन देख रहे हो। सो रिप्लीकेबल, सो दीज आर दी फाइव टाइप्स ऑफ नेचर्स ऑफ द रिसर्च, क्लियर। अब बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना बताऊंगा। इथे सोशल साइंस से किती लोग आए थे? 5, 10, 15 मैक्सिमम लोग कहाँ से? यहाँ पे कौन से फील्ड में काम कर रहे लोग थोड़ा बताइए मेरे को। ह्यूमैनिटीज, हाँ मैं एक्चुअली वो धार्मिक मैडम पूछना भूल गया, आपके काम की चीज है ये इंजीनियरिंग, ये आपके काम की चीज है। देखो इंग्लिश, गुड। सो इन 2018 in the second quarter a study was published in the journal of nature communication, aur wo study mein ye paya gaya ki jo log chashme pehante hai wo intelligent hote hai, barobar hai, aapla ikade samaja madhe hi pratha hai, junya kali mala hi chashma hota 8vi pasun te hushar manayche mala, aajkal sagya mulanna chashma hai karan te डोरेमन बघतात आणि मोबाईलवर खेळतात, और पिछले 2 साल के लॉकडाऊन में तो आंखें सबकी खराब हो गई। सो वेयरिंग द ग्लासेस इज एसोसिएटेड विथ हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। अब ये ऐसा पहला एक स्टडी किया था यूके में, विच वॉज डन बाई द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। इन्होंने क्या किया, ये स्टडी के साथ साथ लोगों का कॉग्निटिव और जेनेटिक डेटा भी उन्होंने एनालाइज किया और गैदर किया। और उनका सैंपल था 3 लाख, जिसमें 16 साल से लेके 102 साल तक के सैंपल एजेस थे। और
जो यूके का बायो बैंक था और एक कॉग्निंट कंसोर्शियम था, उन्होंने ये स्टडी किया, राइट। पहला क्या था, चश्मा लगाना मतलब इंटेलिजेंट, और ये सब चश्मे वाले लोगों का कॉग्निटिव और जेनेटिक डेटा भी लिया गया। अब इंटरेस्टिंगली आगे देखो, हमने जो पिछले स्लाइड पे रिलेशनशिप की बात की थी ना, सी हाउ इट कैन बी डेंजरस। देयर एनालिसिस फाउंड अ सिग्निफिकेंट जेनेटिक ओवरलैप बिटवीन देयर कॉग्निटिव फंक्शन, रिएक्शन टाइम एंड मेनी हेल्थ वेरिएबल इंक्लूडिंग आईसाइट, हाइपरटेंशन एंड लॉन्जिट्यूडी। मतलब ये 300,000 लोग जो इकट्ठे किए गए थे, इनको पता चला कि इनके जीन्स में वो ओवरलैप है। किन चीजों का? इनका कॉग्निटिव फंक्शन, रिएक्शन टाइम, आईसाइट, हाइपरटेंशन, लॉन्जिट्यूड। मतलब उनको ये पता चला कि ये 300,000 चश्मे लगाने वाले लोग, इनमें ये चीजें कॉमनली दिखाई देती है। नाउ स्पेसिफिकली पीपल हु वर मोर इंटेलिजेंट वेर ऑलमोस्ट 30% मोर लाइकली टू हैव जीन्स विच माइट इंडिकेट दे नीड टू वेयर द ग्लास। अब उन्होंने बोला कि जो ज्यादा होशियार है, क्यों? क्योंकि उनके पास उनके माँ बाप से ऐसी जीन आई हुई है। माँ कलेक्टर है, बाप कलेक्टर है, तो बेटा भी उसको वैसी जीन मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि 30% लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके पास जीन्स है इंटेलिजेंस की, और उनको चश्मा लगाना पड़ता है। लॉजिक क्या है? इंटेलिजेंस और चश्मा, क्लियर। तो आगे चलते हैं। अब व्हाइल बीइंग मोर इंटेलिजेंट मे बी लिंक्ड टू पुअर आईसाइट। अब लोग चश्मा क्यों लगाते हैं? क्योंकि भैया उसको दिखाई नहीं देता। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ लॉट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट। जरूरी नहीं है कि आईसाइट ही खराब है तो आपका दिमाग भी खराब होगा, यू कैन बी स्टिल इंटेलिजेंट। Now, the researcher found a negative correlation between cognitive function and number of health problems, including angina, lung cancer, and depression. मतलब ये intelligent लोगों में यहाँ पे negative correlation उनको मिला, specially with related to angina, lung cancer, and depression. कि ये नहीं है, इसमें negative correlation. So it is important to remember that these are all correlation and not conclusive link. jabhi jo humne bola a leads to b and b leads to c, ye correlation hai. ha ata mala sanga, ha correlation kay asto? what is correlation? सर, कोरिलेशन जनरली दो वेरिएबल्स के बीच में रहता है, और हम उनका जो रिलेशनशिप रहता है उनका स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। तो वो कोरिलेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, और हम उसको मेजर कैसे करते हैं इसको, हम कोरिलेशन को? सर, उसको हम कॉज एंड इफेक्ट के फॉर्म में मेजर करते हैं। हां, तो टेस्ट में वैल्यू कौन सी लेते हैं दुबे जी? सर, वैल्यू मतलब कोरिलेशन इज मेजर्ड बिटवीन -1 and +1, यस, एंड 0 बीइंग द सेंटर, राइट, यस सर। सो +1 इज वेरी हाईली कोरिलेटेड, -1 इज हाईली नेगेटिवली कोरिलेटेड, एंड 0 मींस देयर इज नो कोरिलेशन, करेक्ट? यस सर, यस। बट वी कैनॉट कंक्लूड using the correlation. Correlation जो है हमारे MBA के सिलेबस में आया हुआ, ये सब्जेक्ट कई सालों से, ये मेजर किया था कार्ल पियर्सन नाम के आदमी ने, इसको डिस्कवर किया है। हम इसको KPCOC बोलते हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट। सो इट टेल्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, दीज आर नॉट द कंक्लूसिव लिंक, गॉट इट, राइट? अब आप में से कई लोगों ने शादी की होंगी, मैंने तो नहीं की, मैं अभी भी बैचलर हूं। शादी करते समय हमारे क्या किया जाता है? शादी के पहले पत्रिका देखी जाती है, राइट? और पत्रिका में कितने गुण मिलाए जाते हैं?
किती गुण मिळवतात तो पत्रिकेमध्ये सांगा, ज्यांचं लग्न झालं ज्यांनी पत्रिका पाहून लग्न केली, किती गुण असतात? 32 की 36 मला खरंच माहित नाही किती. 36 सर, बघितले सर 36 रहते हैं, 20 के ऊपर, 20 to 30 का रेंज रहना चाहिए. 30 के भी ऊपर हो तो भी अच्छी बात नहीं रहती है, क्योंकि then we have example of Rama and Sita, कि उनके 36 के 36 गुण मिले थे. So there is this story behind it, and then the life, the overall married life for both of them was not very good, because lastly Lord Rama accused Sita. वो अग्नि परीक्षा हो रही, right? अग्नि परीक्षा थी. पर 36 right. So this is nothing but to see the correlation, right? कि आपका अगर हिंदी फिल्मी डायलॉग जैसा अगर बोलू, आपका टाका भिड़ाने से पहले देखा जाता है कि जिससे आपका टाका भिड़ने वाला है उसका और आपका कोरिलेशन कहीं ना कहीं ये जो भी 36 गुण होते हैं वो देख के किया जाता है. नाउ द क्वेश्चन इज, ऑल्दो द पंडित सेज दैट दिस इज अ परफेक्ट मैचिंग कुंडली, दिस शुड गेट मैरिड ऑन द 9th ऑफ मे एट 8:43 AM, ये बहुत अच्छा टाइम है वगैरह वगैरह वगैरह, उसके बाद भी आपके जीवन में समस्याएं आती है, झगड़े होते हैं, मन मुटाव होता है ना. सो दैट मीन्स नन ऑफ द कोरिलेशंस आर कंक्लूसिव. ये दो का टाकून घ्या रे बाबा. जब आप रिसर्च, क्या होता है ना, मैं भी जब यंग था तो बड़ा एक्साइट होता था, बट एक दिन हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने वाले एक सर के क्लास में मैं पहुंच गया बिन बुलाए मेहमान, और मैंने उनको एक गलत सवाल पूछ लिया और उन्होंने प्यार से मुझे समझाया. उस दिन मेरे लिए वो यूरेका मोमेंट था कि हम कोरिलेशन को कितना डेंजरसली इंटरप्रिट करते हैं. अब मैं प्रोफेशनल रिसर्च करता हूँ, अभी मैं लास्ट वीक यवतमाल से एक 8 दिन का रिसर्च करके आया है फील्ड वर्क. तो वी आर वेरी कॉशियस अबाउट द कोरिलेशन, इट इज नॉट कंक्लूसिव. आपका अगर कोई दोस्त होगा जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आप उसको आपका बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, तो आपका कोरिलेशन है. आपका कोई दुश्मन होगा तो आपका निगेटिव कोरिलेशन है. तो जब भी हम पैरामेट्रिक रिलेशनशिप लेते हैं, आणि गम्मत बघा, एकेडमिक रिसर्च में आपको सब माफ है सर, सब कुछ माफ. आपको पीएचडी एक ऐसी डिग्री है कि जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन का लेटर आ जाए तो आपको यूनिवर्सिटी को देना ही देना है 5 साल में, पर आपको आपका काम करना है. कुछ लोगों को घाई रहती वो डिग्री लेके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने की, त्याच्या नाकातून येत असते शेंबूड, आणि त्याला लई वाटते का म्या डॉक्टर झालो, आणि त्याला बेसिक रिसर्च कळत नसते. खूप जेन्युइन लोक राहते, तो ये चलता ये लेवल पे. बट जब आप इसके आगे के लेवल पे जाओगे ना, तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट द कोरिलेशन. इट टेल्स यू, इट यू कैन ऑल्सो मेजर द स्ट्रेंथ, लाइक वॉट दुबे मैडम हैज सेड, एंड वी कैन इंटरप्रिट एंड कंक्लूड. बट व्हेन आई से वी कंक्लूड, वो एकेडमिक रिसर्च में लिमिटेड है, राइट? जस्ट लाइक इन केस ऑफ कोवैक्सीन एंड कोविडशील्ड, स्पेशली आई विल टॉक अबाउट दी कोविडशील्ड, कि कुछ लोगों को यूके में ब्लड पैलेट में, प्लेटलेट में इश्यूज आए, कुछ लोग चक्कर आके गिर गए, राइट? और कुछ लोगों को वोमिटिंग हुई, कुछ लोगों को तेज बुखार आया. ये सब पिछले जो 2 साल थे मेडिसिन मेडिसिनल साइंस के लिए ये रिसर्च का था. इसलिए आप देखिए, हमने जब टीके लगवाए तो हमको 15 मिनट बिठा के रखाया उन्होंने, राइट? हमारा बीपी लिया, हमारा टेम्परेचर गिना, और 15 मिनट अगर हम ओके तो फिर हमको घर जाने की इजाज़त दी. तो कोरिलेशन तो वही कहता था कि भैया आप अगर कोविडशील्ड लोगे तो इसके आपको साइड इफेक्ट आ सकते हैं. वो कंक्लूसिव नहीं है, सबको नहीं आएंगे. टचवुड वो कभी मुझे नहीं आए. वो आपको पैरासिटामोल या टाइलिनॉल भी दिया होगा उन्होंने कि अगर बुखार आया तो खा लो वगैरह वगैरह वगैरह. त्याच्यामुळे काय होतं, रिसर्च करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कोरिलेशन इज नॉट अ कंक्लुसिव लिंक.
ये याद रहेगा राइट. नाउ इट्स वर्थ नोटिंग दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इंटेलिजेंस इज सब्जेक्टिव एंड कैन बी डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू मेजर. अब हम बोलते हैं कि इंटेलिजेंट लोग ही चश्मा लगाते हैं, तो इन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस इज वेरी सब्जेक्टिव. व्हाट डू आई मीन बाय इंटेलिजेंस? इफ समबडी कैन टेल मी 1 + 1 = 2 इज ही इंटेलिजेंट, और इफ समबडी कैन टेल मी 36 + 827 ⁵ उसका जवाब वो दोगा तो वो इंटेलिजेंट? वी रियली डोंट नो. ऑल्दो इंटेलिजेंस हम कैसे मेजर करते हैं? हाउ डू वी मेजर? काय करतो आपण? वी फाइंड द आईक्यू, है ना? आईक्यू टेस्ट. हाँ, हम आईक्यू करते हैं ना मेजर. सो कोरिलेशन, सो देयर इज ऑलरेडी प्लेंटी ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस. इसको अंडरलाइन किया है मैंने, एम्पिरिकल एविडेंस है. क्या? जो लोग चश्मा लगाते हैं, चाहे आपको जरूरत हो या नहीं हो, बट लोग आपको इंटेलिजेंट समझते हैं. ये एम्पिरिकल एविडेंस है. जैसा एक एम्पिरिकल एविडेंस है कि जो कल हनुमान जी के मंदिर में गया, जिसने हनुमान चालीसा का पठन किया, वो हनुमान भक्त है. भले उसने बाहर 5 मर्डर किए होंगे, 10 लोगों के पैसे खाए होंगे, 40 लोगों को धोखा दिया होगा, बट मंदिर में उसको जिसने देखा वो बोलेगा कि ये श्रद्धालु आदमी है. तो ये स्लाइड मैंने इसलिए डाली है कि इंपीरिकल एविडेंसेस एंड कोरिलेशन कैन बी डेंजरसली मिसलीडिंग इफ इंटरप्रिटेड इन अ रॉन्ग वे. नंबर ऑफ स्टडीज हैव फाउंड दैट पीपल हु वेयर ग्लासेस आर परसीव्ड एज स्मार्ट, मोर डिपेंडेबल, इंडस्ट्रियस एंड ऑनेस्ट. स्टडी की गई है और उनको ये पता चला है कि जो चश्मा लगाता है वो इनमें 4-5 क्वालिटी है. अगेन कैनॉट बी जनरलाइज बट परसीव द एम्पिरिकल एविडेंस. क्लियर? आगे चलते हैं. अब कुछ लोग यहाँ बोले इंजीनियरिंग के लोग हैं, वो उनके लिए ये मैंने एक स्लाइड डाली है कि जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज इवॉल्विंग, चेंजिंग, इमर्जिंग. म्हणून एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कंप्यूटर साइंस, ये मैंने नागपुर के किसी ऑटोनॉमस कॉलेज के वो बच्चों को दिया था, तब ये स्लाइड मैंने डाली थी. नाउ यू सी ऑन हियर, दीज आर द टॉपिक्स एंड हियर इट इज अ फ्रीक्वेंसी. इफ यू लुक एट 2008, ये मेरा पॉइंटर देखिए, यहाँ पे मोर और लेस सब पीक हुआ, सब कंप्यूटिंग मेथड, मैथमेटिक्स, सॉफ्टवेयर, ब्ला ब्ला, ये पीक हुआ और वहां से ये डिक्लाइन में आ रहा है. नाउ इफ यू लुक एट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दो चीजों से आपको पता चलती है, एक है ACM और एक है IEEE. अब IEEE, दिस इज पब्लिकली अवेलेबल डेटा. अब इसमें आप अगर देखोगे तो ये जो येल्लो कलर है, ये दिस इज अल्गोरिदम, और ये ऊपर का जो येलो कलर है वो इंफॉर्मेशन साइंस. बट रिसर्च सबसे ज्यादा कंप्यूटर में कहाँ हो रहा है? अल्गोरिदम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, ये दो प्राइम एरियाज है जहां पे अभी भी रिसर्च की फ्रीक्वेंसी, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, ये बताता है कितने बार इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है. वैसे ही जब इंटरनेट की भी बात हुई थी, नेटवर्क एक आता है इंफॉर्मेशन साइंस में, 1995 में ये आपके सिक्योरिटी के क्लस्टर आए थे. जब हम वेब पे सर्फिंग करने जाते तो यूजेबिलिटी कैसी है, टेस्टिंग कैसा है, टूल क्या है, मोबिलिटी कैसी है, एनाटॉमी कैसी है, कोलैबोरेशन, जितना बड़ा डॉट उतना वो इम्पोर्टेंट और जितना थिक लिंकेज उतना वो सिग्निफिकेंट. वैसे ही 1995 में मल्टीमीडिया आया था, वर्ल्ड वाइड वेब शुरू हुआ था, राइट. तब ये पूरे यूजर इंटरफेरेंस हो गया, डेटाबेस हो गया, बाद में आपका नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, ये सब इशू तब हॉट थे. अगर आज की बात करते ये न्यू मिलेनियम की, तो अब हम इंटरनेट, राउटिंग, प्राइवेसी, तो ये साइंस वालों के लिए जहाँ पे तरक्की हर साल हो रही है, फॉर देम इट बिकम्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू सिलेक्ट अ टॉपिक. अजूनही आपल्याकडे लोक अल्गोरिदमवर रिसर्च करतात, प्रोग्रॅमिंग वगैरे लिहितात, दैट इज फाइन. बट आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे तो साइंस वालों के लिए ऐसे कई साइट्स और डेटाबेसेस अवेलेबल है जिसमें करंट ट्रेंड ऑफ रिसर्च बताया गया है. ऑन द कॉन्ट्ररी, मैनेजमेंट, सोशल साइंस, आपका स्टेटिस्टिक्स, ये वेरी मच लोकलाइज
मतलब लोकलाइज मतलब इंडियन हिसाब से मैं कहूंगा, यहाँ पे खदान है प्रॉब्लमों की और ये प्रॉब्लम रिकरिंग है। फार्मर सुसाइड कभी खत्म नहीं होगा, हाँ बाकी सोशल इंजस्टिस है वो खत्म नहीं होगा। सो दीज आर ग्रेजुअली चेंजिंग, दे वोंट चेंज ओवरनाइट। मग रिसर्च कसं पाहिजे, इट हॅज टू बी स्मार्ट स्पेसिफिक। नाउ कई बार जब हमारे मैनेजमेंट का एखादा बच्चा आता है ना थीसिस का टॉपिक लेके, तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला एक टॉपिक है जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा, चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या विकासात योगदान आढावा 2000 ते 2010। इट्स अ व्हेरी ब्रॉड टॉपिक, इट डझंट टेल मी व्हॉट एक्झॅक्टली द कॅन्डिडेट इज ट्राइंग टू लुक इन टू इट। ही जस्ट टेलिंग मी दॅट ही इज युझिंग चंद्रपूर मध्यवर्ती बँक अँड सीकिंग इट्स रोल इन द डेव्हलपमेंट, नॉर ही इज टेलिंग कौन सा डेवलपमेंट देख रहा है वो, इकोनॉमिक सोशल या इंडस्ट्रियल, या वो ये भी रोल नहीं बता रहा कि बैंक का रोल क्या था, कौन से एंगल से, क्रेडिट एंगल से या सपोर्ट एंगल से या और कोई एंगल से। सो टाइटल तो आपका बन गया है, प्रॉब्लम भी बन गया है, बट आगे चल के ध्यान में रखना इट हैज टू बी स्पेसिफिक। द मोर स्पेसिफिक इट इज द बेटर इट इज, राइट। तुम्ही तुमच्या घराला नावं देता आनंदवन विहार, मग तसं घर असलं पाहिजे ना, तुम्ही स्मशान घाटाला द्याल का नाव आनंदवन, नाही। सो द नेम इट सेल्फ टेल लॉट ऑफ थिंग, द मोमेंट आय रीड अ टायटल ऑन युअर थिसिस आय गेट टू नो व्हॉट इज इनसाइड इट। इफ द टायटल इज परफेक्ट प्रॉबेबली द क्युरियोसिटी टू गेट डीपर। अब आप बोलोगे सर टायटल का तो काम हमारा नहीं है, वो आरआरसी का है, बराबर है। आता कुठे किती विद्वानन कसे ते मला इथे सांगता येणार नाही, पण तरी आपण प्रयत्न केला पाहिजे की तुमचा टायटल आणि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम हा अत्यंत स्पेसिफिक असला पाहिजे। क्या होता है द मोमेंट इट बिकम डिफ्यूज तो फिर आपका रिसर्च डायल्यूट होने लगता और चांसेस ऑफ एरर बढ़ने लगते। जैसे अर्जुन को केवल मछली की आग दिख रही थी, या अर्जुन को पंछी पे पेड़ पे बैठे हुए पंछी की आग दिख रही थी, राइट, दैट इज स्पेसिफिक फोकस। सेकंड मेजरेबल, एवरी रिसर्च हैज टू बी क्वांटिफाइड। अब यहाँ पे जब भी किसने बोला कि मैं आर्ट से इंग्लिश लैंग्वेज से रिसर्च कर रही हूं, तो वो पूछेंगे सर मी कसा करूं। बरेचदा हिस्ट्री आणि लिटरेचरमध्ये क्वांटिफिकेशन करायला त्रास जातो, त्याच्या मेथड आहेत असं नाही आहेत की नाही आहे, पण मोस्ट ऑफ द टाइम दीज टॉपिक्स आर डिस्क्राइब ॲज अ डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च विथ इन डेप्थ ॲनालिसिस। तो अगर आप इन फील्ड से हो और आप क्वांटिफाई करने में कहीं ना कहीं आपको लगता है आप कर नहीं पाओगे, तो आपको आपका एनालिसिस का डेप्थ जरा तर्कल म्हटलं तो मगाशी लॉजिकल ते टाकायचा आहे। मेजर वही होगा जो आपको पता चलेगा क्या मेजर करना है। अगर आप ही को पता नहीं है क्या मेजर करना है तो फिर आप मेजर नहीं कर पाओगे, मेजर नहीं कर पाओगे तो टेस्ट नहीं कर पाओगे, टेस्ट नहीं कर पाओगे तो कंक्लूड नहीं कर पाओगे। टू मी दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन अ रिसर्च। थर्ड अचीवेबल, ये टाइम बाउंड के साथ जाता है। आपको 5 साल का समय मिलता है, आपको 5 साल में आपका प्रबंध जो है उसे समाप्त करना है। आर रिलीवेंट, आपका विषय आज ही के समस्याओं से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप बोलोगे सर नहीं है, ये मेरे गाइड ने अप्रूव किया, आरआरसी ने अप्रूव किया, या सगळ्यांना माझा साष्टांग दंडवत, पण एज ए कैंडिडेट आपकी जिम्मेवारी है कि आप रिलीवेंट टॉपिक पे ही काम करो। अगर हम जेंडर इक्विटी की बात करते हैं, एट्रोसिटी की बात करते हैं, तो आज के तारीख में क्या रिलीवेंट है रुपे मैडम, वॉट इज रिलीवेंट टूडे, क्या रिलीवेंट है?
बर कोणी द्या उत्तर. अरे झोपले का रे तुम्ही, जराशे ताजेतवाने वा ना. रिलिव्हंट काय आहे जेंडर इक्विटी मध्ये आजच्या तारखेला, काय चालू आहे समाजात? आय थिंक बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टंट सर. ओके, बट व्हॉट इज गोइंग ऑन इन करंट कॉन्टेक्स्ट, दे आर इम्पॉर्टंट. But then, gender equality is also important. Then the atrocities, if we take for that matter, so that is also important because everything has been laid down by Constitution of India. So whatever is mentioned there, so everything adhering to that is important to us at all the times. Absolutely, I agree. But within that domain, there is a subdomain that is important, and that is called as Me Too. Me Too, sexual harassment. राइट, ये मी टू मूवमेंट चालू हुआ था 5-6 साल पहले. राइट, सो व्हेन अ कैंडिडेट इज कमिंग एंड शी इज सेइंग दैट शी इज डूइंग स्टडी अबाउट द डाउरी, आई एम नॉट सेइंग इट इज इररिलेवेंट, बट रादर एज अ गाइड यू शुड टेल हर दैट इंस्टेड ऑफ डाउरी शी शुड फोकस ऑन द अपकमिंग और द न्यू प्रॉब्लम्स इन जेंडर इक्विटी लाइक मी टू मूवमेंट. राइट, सो किसी भी फील्ड में, किसी भी टॉपिक में आपका जो सब्जेक्ट होगा उसका सब सब्जेक्ट ये रिलीवेंट होना चाहिए. जैसे हमारे फाइन एमबीए के बच्चे थे, पीएचडी, सॉरी एमबीए के नहीं, पीएचडी के, कॉमर्स मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाज वेरी रिलीवेंट 5-10 इयर्स अगो. काफ़ी सारे पीएचडी थीसिस हुई कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है. आज वो रिलीवेंट है क्या? उसका रिलीवेंस थोड़ा कम हुआ है. जब उसका बूम आया था हा? कि जनधन अकाउंट खोले गए, बैंक अकाउंट खोले गए, राइट, सो टाइम टू टाइम वो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात चली थी, है ना, महिला बचत गटांची गोष्ट झाली होती. सो जो भी रिलीवेंट होगा, आज अगर कॉमर्स वाला कोई करना चाहता है तो WTO हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ये ऑलवेज ग्रीन टॉपिक्स है, ये कभी भी पेल या हट नहीं जाएंगे, ये रहेंगे. इसका रूप जो है वो अलग तरीके से उभर के आएगा एंड टाइम बाउंड. ठीक है, अब चलते आगे. मोटिवेशन, राइट, अगेन टू फाइंड द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम आफ्टर मेकिंग डीप एनालिसिस एंड कंडक्टिंग स्टडीज ऑफ रिलेवेंट फैक्टर. डीप एनालिसिस एंड कंडक्टिंग स्टडी ऑफ रिलेवेंट. इसीलिए आप अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जा रहे हो तो डीप एनालिसिस इज एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड. ऑल्सो इन अ क्वांटिटेटिव रिसर्च इट इज रिक्वायर्ड अलोंग विद द स्टडीज ऑफ रिलीवेंट फैक्टर. क्या चीजें अफेक्ट कर रही है, व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम एंड हाउ इट कैन बी ट्रीटेड, एलिमिनेटेड, मिटिगेटेड, सो एंड सो फॉर्थ. करेक्ट, देन सेकेंड जो था वो इंफॉर्मेशन, बिकॉज वी आर कंडक्टिंग रिसर्च प्योरली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन. राइट, सो दिस इंफॉर्मेशन शुड बी ऑब्टेन्ड विच इज रीजनेबल एंड नॉट ओनली दैट, इट शुड बी सपोर्टेड बाय बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा विच इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन इटसेल्फ. चाहे आप प्राइमरी डेटा लो, चाहे आप सेकेंडरी डेटा लो, द प्रोसेस हैज टू बी सिस्टमैटिक एंड इंफॉर्मेशन हैज टू बी रीजनेबल. उसका मतलब ये है कि वो इंफॉर्मेशन फॉल्स नहीं होनी चाहिए, बायस नहीं होनी चाहिए, ओपिनिएटेड नहीं होनी चाहिए. जैसे वो मिलोकोविच कोई है ना टेनिस वाला, वो बोलता मैं कभी भी वैक्सीनेशन नहीं लूंगा. दुनिया में ऐसे कुछ लोग है कि हम कभी वैक्सीन नहीं लेंगे, वैक्सीन से फलाना होता है, ढिकाना होता है, ऐसे लोग है. अगर आपने उनकी इंफॉर्मेशन लेके आपका थीसिस बना दिया तो वो, मैं ये नहीं कहूंगा वो बायस्ड है, बट जजमेंटल फॉर्म उसका सही नहीं है, क्योंकि दुनिया में मेजोरिटी आर इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स टेकिंग अ वैक्सीन, बट सर्टन ग्रुप आर रिस्ट्रेनिंग देमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग इनटू इट. सो रीजनेबल वो होनी चाहिए. देन मोटिवेशन में ये भी होता है कि हम ऐसी मेथड का डिजाइन करें जो हमारे टॉपिक से जुड़ी हुई हो और उसके लिए पर्याप्त हो.
sufficient for the problem under statement. Depending on the gravity of your problem statement, a complementary method can be attached. है ना, अगर आपको बहुत जोरों की भूख लगी है इंस्टेंट, आपको दो मिनट मैगी नूडल खाना चाहिए. आपको मॉडरेट भूख लगी है तो आप पोहा खाइए, राइट. आप दो घंटा इंतजार कर सकते हैं, फिर आलू पराठा खाइए, पूरन पोली खाइए. तो डिपेंडिंग ऑन द सीवेरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम मेथड कैन बी डिजाइन, है ना. इट ऑल्सो इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्क्राइबिंग एंड रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन. दस इन सिंपल टर्म फाइंडिंग एंसर्स दैट रिजॉल्व द अनसर्टेनिटीज ऑफ अ प्रॉब्लम. जैसे हमने शुरुआत में बोला था कि अनसर्टेनिटी होती है, तो उसको अगर हटाने के लिए हमने उसके जवाब ढूंढे तो उसको हम रिसर्च बोलेंगे, राइट. सो नाउ लेट्स लुक एट द साइंटिफिक मेथड. ये आपके एग्जाम के एंगल से इम्पॉर्टेंट है. याला आपण शास्त्रशुद्ध काम म्हणतो, बिकॉज वी डेव्हलप अँड डिलिमिट, वी डेव्हलप द प्रॉब्लेम अँड डिफाइन अँड डिलिमिट इट. डिलिमिट का मतलब ये होता है हम उसको लक्ष्मण रेखा के अंदर बांध देते हैं, क्योंकि हमको 5 साल में वो कंप्लीट करना होता है, राइट. व्हाइल डूइंग दैट, जस्ट लाइक दुबे मैडम सेड, वी आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ये बहुत जरूरी है. मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आप में से 50% लोगों ने यह सोचा नहीं होगा सिनॉप्सिस के टाइम, और इवन अभी भी. अभी जो डेटा आपके पास आया हुआ है, मेक श्योर यू आइडेंटिफाई डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. उसके ऊपर मैं 2 मिनट में आता हूँ. देन ऑफकोर्स द एंटिसिपेटेड आउटकम, जिसको हम हाइपोथीसिस बोलते हैं, वो बनाते हैं. वी कलेक्ट द डेटा विद द मैक्सिमम इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, सो दैट डेटा कैनॉट बी you know misleading, and at the same time the error, jisko data sanitization hum bolte, those can be minimized. Analysis and interpretation, right. Now dependent or independent variable kay astat sanga bara, what is dependent and what is independent variable? Are baba tumhala doctor chi degree milnar aho, tya degree karta to sanga क्या है. व्हाट इज डिपेंडेंट एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? सर कैन आई कोट इट विद द एग्जांपल ऑफ विद एन एग्जांपल? हां हां बिल्कुल बताइए. सर जैसे हम एक कोरिलेशन, हम एक हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब एक हमारा इक्वेशन रहता है जिसमें ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी कैन हैव आवर dependent variable, and on the right hand side of the equality we can have the independent variables. Okay, so we can say ki ek company ka sales badh raha hai, theek hai, to sales can be a dependent factor, and independent factor usme hum digital marketing ko consider kar sakte hain. Okay, सो जस्ट अ वेग एग्जाम्पल कि हम बोल सकते हैं कि हमारा सेल्स डिजिटल मार्केटिंग की वजह से बढ़ रहा है. सो ए कैन बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, बी कैन बी द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज सेल्स. सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो इन अ सिमिलर वे वी कैन हैव मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड दे कैन बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके वेरी गुड. सो मैं आपको सिंपल टर्म में समझाता हूँ, जो चाय के टपरी वाला भी समझ जाएगा. आपके पास टू व्हीलर है, होंडा एक्टिवा. सो अगर मैं आपके टू व्हीलर का एक्सेलरेटर 10 डिग्री से ऊपर करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो मेरे एक्टिवा की स्पीड ये 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ती है. द हायर द डिग्री ऑफ एक्सेलरेटर, द हायर इज द स्पीड. So the speed is dependent on the degree of accelerator. So degree of accelerator becomes independent and speed become dependent, क्योंकि वो बदलती है इसके साथ, right? तो इसको हम
करते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस, एक अगर बदलेगा तो दूसरा कैसे बदलेगा, अगर डिजिटल मार्केटिंग बढ़ाया तो सेल बढ़ेगा, राइट, वन वेरिएबल इज लिंक टू अनदर वेरिएबल, और इसका एनालिसिस हम यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिकल मेथड से करते हैं। अब मान लीजिए यूनी के जगह बाय वेरिएट हो गए और बाय के जगह मल्टी हो गए, अब बहुत सारे वेरिएबल आ गए। टेक एन एग्जाम्पल विच इज माय फेवरेट एग्जाम्पल, चाय की टेस्ट, सगळ्यांना उत्तर द्यायची आहेत बरं का, मी तुम्हाला प्रश्न काय विचारतो, तुम्हाला जाग झालं पाहिजे, तुम्हाला थोडं आपलं डोकं ऍक्टिव्ह केलं पाहिजे। चहाची टेस्ट कशावर डिपेंडेंट आहे, मग मराठी मी पूछू गए हिंदी में पूछू, चाय की टेस्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट आहे बताओ, अमाउंट ऑफ मिल्क यू आर एडिंग, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क, ओके, मिल्क शुगर एंड ऑब्वियसली टी, द फ्लेवर व्हिच वी आर एडिंग टू इट, इट कैन बी मसाला नंबर 4, ओके, सर जिभेवर आहे प्रत्येकाच्या जिभेवर, प्रत्येकाच्या जिभेवर नंबर 5 और अजून सर आपको कब कंज्यूम कराने के बाद या फिर एक घंटे बाद बनाने की ट्रिक, नहीं वो कंज्यूम का तो अलग है, ठीक है, कंज्यूम तो हम जनरली गर्म ही करते हैं, बनाने की ट्रिक और हाँ। बताऊं टाइप ऑफ बर्तन, आपका बर्तन पीतल का है, स्टेनलेस स्टील का है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है या मिट्टी का है, आप किसके ऊपर चाय गर्म कर रहे हो, चूल्हे के ऊपर कर रहे हो, एलपीजी के ऊपर कर रहे हो, सोलर के ऊपर कर रहे हो, राइट, सो अभी कितने वेरिएबल हो गए, अभी हो गए 15-16 वेरिएबल हो गए। अब मैंने अगर बोला, मैंने आप सबको एक कप चाय पिलाई और मैंने बोला मुझे बताइए इसमें सबसे बड़ा वेरिएबल क्या इंपैक्ट कर रहा है, सो एज ए रिसर्चर यू विल गेट कंफ्यूज, आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैं इनमें से इसमें क्या बताऊं कि क्या ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, राइट right? तो रिसर्च में ये पॉसिबल है कि हाउ वी कैन डिटरमिन इन अ मल्टी वेरिएट, और यहाँ पे ये सब चीजें चाय के टेस्ट को अफेक्ट कर रही है, मल्टीपल वेरिएबल्स आर अफेक्टिंग द टेस्ट, सो इफ आई कलेक्ट द डेटा वेरी क्लेवरली एंड आई यूज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये एक एनालिसिस होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, तो और उस बेसिस पे मैंने अगर डेटा कलेक्ट किया तो मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि वो बर्तन है, कि वो मसाला है, कि वो चाय पत्ती की क्वालिटी है, कि वो किस तरीके से गर्म किया गया है। इन रिसर्च ऑलवेज रिमेंबर, जितना आसान दिखता है ना उतना डिफिकल्ट होता है वो क्वांटिफाई करने के लिए, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, राइट। अगर मैंने बोला आप हैप्पी क्यों हो, आप बोलेंगे मुझे अच्छा पगार मिलता है, मेरा रिस्पेक्ट होता है, बीवी रोज मेरे लिए सब काम करती है, देयर कुड बी थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स ऑफ हैप्पीनेस, वो मैं आगे उसके ऊपर भी बात करूंगा। सो आपल्या संशोधनातले डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहिले कळलं पाहिजे की हे हलवलं की हे हलतं, हे लक्षात ठेवा बरं का। अभी आपकी पीएचडी की नैया शायद आगे चली गई होंगी, जिनकी नहीं गई है उनको ये अभी भी टाइम है, जिनको आगे रिसर्च करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज हाउ वी सॉल्व इट, आइडेंटिफिकेशन। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा एग्जैक्टली इसके बाद अपना ब्रेक होता है, मैं एक बार पूरा क्लिक कर लेता हूँ आणि ही स्लाइड संपले और अपन ब्रेक घेऊ, तो अपन परफेक्टली टाइम पे चल रहे हैं क्योंकि मेरा इसके बाद ही ब्रेक होता है। लेट मी क्लिक एवरीथिंग सो दैट यू गेट टू सी, और मैं माउस के काउंटर से आपको बताऊंगा। आप सबको ये मालूम है, इसमें नया कुछ भी नहीं है, बट फिर भी जस्ट टू गेट अ ग्लांस कि क्या हो रहा है। ओके, फर्स्ट यू सिलेक्ट एरिया, स्टेप्स इन साइंस, कोई भी हो, इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रॉड एरिया, उसमें सब आते हैं, आप साइंस ले रहे हो तो ब्रॉड है उसमें आते हैं। देन यू कम टू अ टॉपिक, टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आप अपने आप को सवाल पूछिए कि
कि मैं किस चीज पे रिसर्च करना चाहता हूँ। जैसे ही आपके मन में सवाल आया, आप लिटरेचर में ढूंढिए इसमें काम हुआ है क्या। अगर आपको जवाब मिला कि हाँ, तो आपको वो काम करना नहीं है। अगर आपको जवाब नहीं मिला तो ट्राई टू रिफाइन योर रिसर्च क्वेश्चन कि क्या मैं इसको बेहतरीन तरीके से और कैसे करूँगा। रिफाइनमेंट के बाद गो टू द लिटरेचर, जवाब मिला जरूरत नहीं है चेंज करो, नहीं मिला तो आपका क्वेश्चन फॉर्मुलेट करो। फॉर्मुलेशन के बाद गो विद द हाइपोथेसिस, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, राइट। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अ स्टडी डिजाइन। जो लोग फार्मास्यूटिकल, बोटैनिकल, जूलॉजिकल, मेडिकल साइंस से रिलेटेड होते हैं, उनको इथिकल इश्यू जरूरी होता है। अगर वो किसी चूहे की जान ले रहे, किसी पेड़ को मार रहे, किसी के ऊपर टेस्ट कर रहे, किसी का कंसेंट नहीं ले रहे, सो इथिकल इश्यूज आपके डिजाइन में जरूरी होते हैं, राइट। देन कम्स टू दी पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। अब कई बार ये मैंने देखा है, आप में भी ऐसे लोग होंगे जो यहाँ बैठे होंगे, अभी हम ऑनलाइन पे है इसलिए ऑफलाइन में मेरे को तुरंत समझ जाता है। आप मुझे पूछोगे तो ये मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट और बाकी चीजों के बारे में बोल रहा हूँ, आपका पीएचडी का सैंपल कम से कम 1100 से 1200 होना चाहिए अगर आपका टॉपिक ब्रॉड है तो। पर आपका टॉपिक ही अगर बहुत नीश है, जैसी एक स्टूडेंट आई थी ये एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में, वो बच्चों के ल्यूकेमिया के बच्चों पे स्टडी करी थी, तो मैंने उसको बोली कि सर मेरे को अभी तक 25-26 ही बच्चे मिली है ब्लड कैंसर वाले। फिर मैंने उसको कुछ हॉस्पिटल रेफर किए, कुछ डॉक्टर रेफर किए, तो उसका सैंपल बढ़ बढ़ के 128-135 कुछ हुआ था। और फिर वो आगे आगे जैसा उसका स्टडी हुआ तो वो 150-200 तक गया। तो आपका टॉपिक ही अगर बहुत नीश है तो आपका पॉपुलेशन और सैम्पलिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है, आपका पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं पी और सैंपल को कहते हैं एस। सो इफ पी इज 100 देन एस हैज टू बी 5% ये होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर मैं 5% पैसा लूँ, नागपुर की जनता 25 लाख है, मेरे पास टाइम पैसा नहीं है। इसीलिए एकेडमिक्स में, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं जो यवतमाल में काम किया ना, मैं टोटल सैंपल प्लान किया था 275 आठ गांव का, और मेरा एक्चुअल सैंपल जो मैंने फील्ड पे काम किया वो आया होगा लगभग 348 या 347 आया होगा। और वो गांव का टोटल पॉपुलेशन था आठ गांव का मिला के मोटा मोटी मान लो 17,000। तो 17,000 में हम लगभग 400 के आसपास गए थे। ये प्राइवेट प्रोजेक्ट था। जब हम गवर्नमेंट का काम करते हैं तो गढ़चिरौली में हमने 2,00,000 सैंपल लिए थे पॉपुलेशन में से। सो दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। कई बार आपको एक्सटर्नल पूछेगा कि बाबा एवढंच का घेतलं रे, मग सांगता आलं पाहिजे बर का, डिफेंड करता आलं पाहिजे। आपले पोरं शॉर्टकट मारतात, 100-200-250 घेतात, त्याले डबल करतात आणि पेलून देतात थीसिसमध्ये। ते मत करो, इनको करना है वो खुशी से करे, बट वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। सैम्पलिंग में भी हम लोगों को ये देखना है आप मेल फीमेल कौन सा एज ले रहे हो, कौन सा कास्ट ले रहे हो, आप सभी ओपन ले रहे हो, सभी ओबीसी ले रहे हो, बरस काळजीपूर्वक नियोजन करावं लागतं। हे सगळं तुमच्या डिझाईनमध्ये येतं बरं का। मी आत्ता गेलो तर मी सगळ्यांना भेटलो, आदिवासीपासनं ब्राह्मणापर्यंत सगळ्यांना भेटलो, 10 वर्षाच्या मुलापासनं 92 वर्षापर्यंतच्या म्हाताऱ्याला भेटलो। स्पेसिफिकली जेंडर को मेरे को मिलना था, मैं फोर्सफुली गया, गाँव में वो बातें नहीं करती थी, बट आई वेंट। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट द पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। देन वेरिएबल जो हमने बोला था, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, आप वेरिएबल निकालिए। और होता क्या है, ये सब चीजों में आपका टूल, आपका सैंपल, इसमें आता है बायस। रिसर्चर बोलता है अरे यार कर लेंगे, अरे देख लेंगे, अरे चलता है, अरे किसको पता चलेगा, राइट। क्या हुआ मुदलियार मैडम, आपने हाथ खड़ा किया, बलजीत मुदलियार, कई प्रश्न है का तुम्हारा, या मेरे को हाय बोल रहे हो? अरे रुको, मैं टाइम बाउंड मैनर में। हेलो, हाँ पूछिए।
हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है लाइक पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग से रिलेटेड. लाइक एज आई एम डूइंग माय रिसर्च इन इंग्लिश लिटरेचर, सो द वर्क्स व्हिच आई एम सिलेक्टिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर, विल दैट कम अंडर पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग? नाउ इन्होंने एक सवाल पूछा है जो मैं हिंदी में बताता हूँ. ये लिटरेचर पे काम कर रही है और एक ऑथर उन्होंने सिलेक्ट किया है जिसके ऊपर ये काम कर रही है. तो इनका सवाल है कि वो पॉपुलेशन सैंपलिंग में आएगा क्या? अब नंबर वन, हाँ और ना भी. हाँ इसलिए क्योंकि वो ऑथर शायद जिंदा हो सकता है या वो ऑथर की कुछ किताबें हो सकती है अगर वो जीवित नहीं है तो. सेकंड, वो ऑथर की विचारधाराओं का पालन करने वाली कुछ कम्युनिटी हो सकती है जो आपका अल्टीमेट सैंपल बन सकता है, राइट? सो इट अप टू द ऑथर और द रिसर्चर, सॉरी नॉट ऑथर, अप टू द रिसर्चर हाउ टू डिटरमिन. से फॉर एग्जांपल, कुछ साल पहले दलित पैंथर मूवमेंट का एक पीएचडी करने वाला एक कैंडिडेट आया. मेरा सब होने के बाद वो मेरे को बाहर मिला यूनिवर्सिटी में. सर बोले दलित पैंथर का तो सब लोग खत्म हो गए, अभी कोई जिंदा नहीं है, जो है वो लीडर नहीं है. बट प्राइमरीली वो मराठवाड़ा रीजन में थे. तो मैंने उसको बोला जितने लोग जिंदे हैं और जितने लोग मरे हैं या उनके ऑर्गेनाइजेशन में थे, सब आपका पॉपुलेशन होगा और आपका सैंपल भी वही होगा. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, एज मच एज पॉसिबल यू ट्राई टू गैदर पीपल इन फिजिकल फॉर्म. डिजिटल फॉर्म में तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बट आपको अगर उनके अनुयायी, उनकी विचारधाराएं, उनके लिटरेचर के फॉलोअर, उनके क्लब अगर मिले तो वहां से आपको तेजी से इंसाइट मिलेगा. इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू मीट द पर्सन इन फिजिकल फॉर्म, हैव अ वन टू वन डिस्कशन विद देम रादर देन सर्चिंग फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब. द प्रायर एक्सरसाइज लीड्स टू द हायर लेजिटिमेसी एंड एफर्ट बाय द रिसर्चर. Hence, the level of confidence increases. Got it? Thank you, sir. Then comes your tool. Again, tools are selected by the researcher, whether he is going to take a questionnaire, a focus group discussion, a laboratory experiment, or just observation. Ye aapko decide karna hai depending on the nature of your topic. Wo hone ke baad ek pilot karke dekho. Pilot agar sahi tarike se chalta hai, to good. नहीं चलता है तो एडजस्ट योर रिसर्च टूल. ओके, एक बार रिसर्च टूल एडजस्ट हो गए, पायलट हो गया ठीक, कम आउट विद अ वर्क प्लान. 6 महीने में इतना डेटा कलेक्ट करने का है, कलेक्ट द डेटा, देन मैनेज द डेटा. डेटा मैनेजमेंट में क्या होता है ना, जब आप लार्ज स्केल डेटा लेते हो तो हम उसको सैनिटाइजेशन बोलते हैं कि कई बार ह्यूमन एरर हो गई हो, क्योंकि क्वेश्चनर भरने वाला भी ह्यूमन होता है. डेटा को आपको कुछ आउट ऑफ द लीक डेटा मिलता है, आपको रखना है. मैं ये नहीं कहता हूँ उसको डिलीट करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट फॉर्मेट, व्हाट नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर डेटा इज, एंड देन स्टार्ट एनकोडिंग द डेटा, जिसको हम डेटा मैनेजमेंट कहते हैं. उसको एनकोड करो ताकि आप उसको स्टेटिस्टिकल टूल लगा के एनालाइज करोगे. देन कम द इंटरप्रिटेशन एंड द फाइनल इज योर रिपोर्टिंग. सो दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च. ये क्लियर हो गया? अभी बजे 12:07. हम अभी 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 12:17 आणि मग मी तुम्हाला नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बद्दल सांगेल. क्लियर आहे? घ्यायचा ब्रेक? यस सर. एक्झॅक्टली 10 मिनिट. थँक्यू सर, थँक्यू. फ्रेंड्स, आप मीटिंग को लीव मत करिए. आई एम ऑडिबल? हाँ, मीटिंग को लीव मत करिए, जस्ट म्यूट करके आप रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेके आइए एंड स्टे इन द मीटिंग. ओके मैम, थैंक यू. ओके, श्योर. ओके.